हेलो फ्रेंड्स, एसबी लाइन डेन स्टडी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा क्लास होगा, क्लास ट्वेल्थ वालों के लिए होगा, जो इस साल बच्चे एग्जाम दे रहे हैं 2022 में, आर्ट्स से हो या साइंस से हैं, उनके लिए यह क्लास है। देखिए, एनसीईआरटी बीएसईबी क्लास ट्वेल्थ इंग्लिश 2022, ठीक है। चैप्टर नेम और राइटर नेम, चैप्टर कौन से कवि किस चैप्टर को लिखे हैं और राइटर उनके कौन है, उनका जन्म कब हुआ और उनका निधन कब हुआ, और जो पाठ की विद्या है रेसिडेंस, वह कौन से कवि किस बात की व्याख्या कर रहे हैं, आइए देखते हैं। देखिए, फर्स्ट चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर की अगर बात करें तो इनका मीनिंग होता है भारतीय सभ्यता और संस्कृति, ठीक है। भारतीय सभ्यता और संस्कृति के लेखक कौन है, तो भारतीय सभ्यता और संस्कृति की बात करें तो समझ जाइएगा कोई भारतीय लेखक ही होगा। तो भारतीय लेखक कौन है, तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के जो राइटर है वो कौन है, तो महात्मा गांधी है, ठीक है। महात्मा गांधी की अगर एग्जाम में पूछ दे, एग्जाम में महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, तो आप क्या कीजिए, क्या बताइएगा, तो उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, ठीक है। जो 2 अक्टूबर को हम लोग उनको महात्मा गांधी जयंती भी मनाते हैं। और उनका जयंती निधन कब हुआ, तो 1948 में महात्मा गांधी का निधन हुआ, ठीक है। और जो रेसिडेंस, जो पाठ की विद्या है, महात्मा गांधी जो किताब लिखे हैं, उनकी पाठ की विद्या क्या है, तो इंडिया है, ठीक है। भारत इज माई होम, भारत मेरा घर है, ठीक है। जितने भी लोग इस देश में रहते हैं उनका देश कौन सा है, तो भारत है। भारत के लिए भारत ही देश है, और दूसरे देश में जो रहते हैं उनके लिए दूसरा देश है, ठीक है। दूसरे देश का मतलब अंतर्राष्ट्रीय है, तो उनका भी देश होगा, वो भी अपने देश में रहते हैं। उनके हम लोग का देश कौन सा है, तो भारत इज माई होम, भारत मेरा घर है। तो भारत इज माई होम जो चैप्टर है, तो कौन से कवि लिखे हैं, तो जाकिर हुसैन। नाम से ही पता चल जाता है भारत इज माई होम को अगर किसी ने अच्छे से समझा होगा तो भारतीय होगा जो इस किताब को लिखा होगा। तो इसके लेखक कौन है, तो जाकिर हुसैन है। तो जाकिर हुसैन का जन्म कब हुआ था, जाकिर हुसैन का जन्म 1897 ईस्वी में हुआ था। और उनका निधन कब हुआ, तो 1969 में उनका निधन हुआ। और पाठ की विद्या क्या है, जाकिर हुसैन जो चैप्टर लिखे हैं वो पाठ की विद्या रेसिडेंस क्या है, रेसिडेंस इंडिया है, ठीक है। कोई भी राइटर जब भी अपना किताब लिखेगा तो उसमें अगर भारत के अपने देश की चर्चा करता है तो उसके जो पाठ की विद्या रेसिडेंस जो होता है वो क्या होता है, इंडिया ही होगा, ठीक है। फिर है ए पिंच ऑफ स्नॉफ, एक चुटकी खैनी या एक चुटकी सूंघना होता है, ठीक है। इसका आपको इसका हिंदी मेन हिंदी इसका होता है ए पिंच ऑफ स्नॉफ का हिंदी होता है एक चुटकी सूंघना, ठीक है, चाहे एक चुटकी खैनी। तो ए पिंच ऑफ स्नॉफ जो है उसके राइटर नेम कौन है, तो मनोहर मंगोकर, ठीक है। और उनका जन्म कब हुआ था, ए पिंच ऑफ स्नॉफ के लेखक मनोहर मंगोकर का जन्म कब हुआ, तो 1913 ईस्वी में उनका जन्म हुआ और 2010 में उनका डेथ हो गया, ठीक है। और वो कौन से रेसिडेंस, उनके पाठ की विद्या क्या है, इंडिया। तो ए पिंच ऑफ स्नॉफ से एक बात समझिएगा, जब भी जो बुजुर्ग होते हैं वो किससे आते हैं कि एक जाओ गांव, मतलब जो बच्चे होते हैं उनके डेट ऑफ बर्थ कैसे याद कीजिएगा, आइए देखते हैं। तो जिसका एज 10 से 13 साल का एज रहता है, जिसका उम्र रहता है 10 से 13 साल का, उस बच्चे को वो कहाँ भेजते हैं, दुकान भेजते हैं, जाओ खैनी लाओ, ठीक है। पिंच ऑफ स्नॉफ का हिंदी होता है। तो किसको कह रहे हैं, तो मनोहर, ठीक है। तो मनोहर जी तो इसमें क्या है, कवि है, तो इसको याद करने का एक ट्रिक है जो आपको बता रहे हैं। और उनके लेखक कौन है, तो उनके लेखक तो वो खुद है, एंड जो रेसिडेंस है तो इंडिया हो जाएगा। फिर लिखा है आई हैव अ ड्रीम, मेरे पास एक सपना है। आई हैव अ ड्रीम का हिंदी होता है मेरे पास एक सपना है।
तो जो सपना देखता है, जो सपना, तो क्या चीज का सपना दिख रहा है देखता है? राजा बनने का सपना देखता है। ए आई हैव ए ड्रीम के लेखक कौन है? तो मार्टिन लूथर किंग। देखिए मार्टिन लूथर किंग जब सपना जो देखता है, वो कितने साल के एज में देखता है, कितने साल के एज जब हो जाता है तो राजा बनने की उसके सपना आने लगता है, तो 29 साल का एज में वो राजा बनना चाहता है। ठीक है, 29 साल से राजा बनना चाहता है। और कब तक बनना चाह रहा, कब तक? तो 68 साल तक राजा बनना चाह रहा है। ठीक है, वैसे तो इनका जन्म 1929 में हुआ है, लेकिन यह ट्रिक है जिसे आप सन ईस्वी याद करके एग्जाम में आसानी से लिख देंगे। तो 1929 में मार्टिन लूथर किंग का जन्म हुआ और 1968 में इनका निधन हो गया। 1968 में मार्टिन लूथर किंग का निधन हो गया। और वो कौन से, कौन उनका जो किताब लिखे है उसके रेसिडेंट, पाठ की विद्या क्या है? पाठ की विद्या अमेरिका। तो वो कहाँ के राजा बनना चाह रहे हैं? तो अमेरिका के राजा, अमेरिका जो पाठ की विद्या वो अमेरिका है। ठीक है, समझाने के लिए आपको ये ट्रिक बताए हैं। ठीक है, 1929 तो उनका जन्म हुआ था और 1968 को उनका निधन हो गया। और वो पाठ की विद्या क्या है, जो आई हैव ए ड्रीम जो चैप्टर लिखे हैं, मेरे पास एक सपना है, वो पाठ की विद्या क्या है? तो अमेरिका। आई डिश दैट हेल्प माइंड, हेल्प मैकाइंड, जो हेल्प करेगा। ठीक है, हेल्प मतलब मदद जो करता है। तो उसके लेखक कौन है? आई डिश दैट जो लिखे हैं चैप्टर नेम जो है, उसके लेखक कौन है? तो उसके लेखक राइटर नेम क्या है? तो ब्रेटन रसेल, ब्रेटन रसेल। तो देखिएगा इसको आप क्या कीजिएगा, जब भी एग्जाम में पूछ देगा कि सन लिखिए, सन किस सन में ब्रेटन रसेल का जन्म हुआ था, तो देखिएगा इसको याद करने का ट्रिक क्या है। 1872 में रसेल का जन्म हुआ और 1970 में इनका क्या हुआ, निधन हो गया। तो जो रसेल है, वेस्ट इंडीज का रसेल, आंध्र रसेल, वो कितने मीटर का छक्का मारता है? तो 70 से 72 मीटर का छक्का मारता है। कितने मीटर का? 70 से 72 मीटर का छक्का मारता है। और कितने एज में आया क्रिकेट में वो पदार्पण किया था? 1819 साल के एज में किया होगा। ठीक है, और किसके खिलाफ मारता है, किसके खिलाफ 70 से 72 मीटर का छक्का मारता होगा? तो ब्रिटिश के खिलाफ मारता होगा। ठीक है, तो ब्रिटिश है। ठीक है, ट्रिक है। ठीक है, ऐसे तो ट्रिक है जो याद करने का आपको बता रहे हैं, जो आप इस एग्जाम में आपसे नहीं भूलो। तो ब्रिटेन रसेल का जन्म कब हुआ था? तो 1872 में। और उनका निधन कब हुआ? तो 1970 में। 1970 में क्या हुआ? तो 1970 में उनका निधन हो गया। और कौन से पाठ की विद्या क्या है? तो ब्रिटिश है। ठीक है, द आर्टिस्ट, आर्टिस्ट का मतलब क्या होता है? कलाकार। ठीक है, कलाकार। तो कलाकार जो है, द आर्टिस्ट के राइटर नेम क्या है? तो राइटर नेम सिंगा नोया, सिंगा नोया। तो सिंगा नोया जो चैप्टर के राइटर हैं, वो उनका जन्म कब हुआ था? तो 1883 में सिंगा नोया का जन्म हुआ। और उनका निधन कब हुआ? तो 1971 में उनका निधन हो गया। किनका निधन हुआ? 1973 में किनका निधन हुआ? 1971 में किनका निधन हुआ था? तो सिंगा नोया का निधन हुआ था। और वो कहाँ, किस जो पाठ की विद्या है रेसिडेंस, वो क्या है? तो जापान है, जापान, वो जापान है। फिर है, हाउ फ्री इज द फ्रेश, जो का फ्री इज द फ्रेश। ठीक है, जो चैप्टर है, तो उसके लेखक कौन है? तो जेरेमिन गिरी, गिरी, जरिमन, जरिमन गिरी। तो उनका जन्म कब हुआ? 1939 में। और उनका निधन कब हुआ, यह पाठ में चर्चा नहीं किया, तो आपसे एग्जाम में भी नहीं पूछेगा। ठीक है, और जो किताब लिखे हैं उनके पाठ के रेसिडेंस क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, द अर्थ, पृथ्वी, धरती। ठीक है, एचिबिट्स, तो देखिए एचिबिट्स इज द अर्थ। देखिए भारत में एक बात याद रखिएगा, 1905, ठीक है,
आप किसी के पास जाइएगा, उसके साथी जो होता है तो कहता है एजन बैठ, ठीक है, ऐसी भी याद करने का ट्रिक है, एजन बैठ कौ मिनट, तो 5 मिनट बैठ, कहता है 5 मिनट में आ रहे हैं तो एजन बैठ, अच्छी बीट्स, ठीक है। और आता है कितना देर बाद, आता है 1.5 घंटा बाद आता है, तो देखिए तो कितना देर बाद आ रहा है, तो 74 मिनट बाद आ रहा है, ठीक है, 74 मिनट बाद आ रहा था। तो उनका जन्म, एच ई बीट्स का जन्म कब हुआ, तो 1905 में, एंड उनका निधन कब हुआ, तो 1974 में निधन हुआ। और रेसिडेंस क्या है इसका, रेसिडेंस रेसिडेंस इंग्लैंड, तो इंग्लैंड है, ठीक है। इंडिया थ्रू ए ट्रेवल, ट्रेवल मैंने होता है किसी खास जगह पर जाना, ट्रेवल्स जिस 1 जनवरी का आप कहाँ नहीं जाता है, पिकनिक मनाया जाता है, तो ट्रेवल्स का मतलब होता है एक दूसरे जगह जाना। पियर्स बॉक इसके लेखक है, पियर्स बॉक, और इनका जन्म कब हुआ, 1892 में, 1973 में इनका निधन हो गया। इनका जो रीति लिखा है, इनका पाठ की विद्या क्या है, अमेरिका। ए मैरिज ऑफ प्रपोजल, ए मैरिज ऑफ प्रपोजल शादी का प्रस्ताव, ठीक है, ए मैरिज ऑफ प्रपोजल का होता है मतलब हिंदी होता है शादी का प्रस्ताव। तो शादी का प्रस्ताव में देखिए कौन कवि किसके कौन है, एंटन चेकोव, एंटन एंटन चेकोव, और इनका जन्म कब हुआ था, 1860 में, 1860 में इनका जन्म हुआ, और इनका निधन कब हुआ, 1860 में इनका जन्म हुआ और 1904 में इनका निधन हो गया। और जो पाठ की विद्या लिखे हैं तो रूसियन है या इंग्लिश क्लास से लिया गया।